वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जो है गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरअसल मामला अक्टूबर 2019 का है, जिसमें एक महिला से चार लोगों ने जबरन 4 महीने तक उसका यौन शोषण किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो दरिंदों ने पीड़िता से अपना मुंह बंद रखने को कहा और ऐसा ना करने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दे डाली। कई महीने तक इन दरिंदों को सहन करने के पश्चात आखिरकार पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने यौन शोषण के मामले में एक शिक्षक, एक शासकीय कर्मचारी, कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने बंद कमरे में पीड़िता का बयान कलमबद्ध करने के पश्चात आगामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। इन्होंने जो शिकायत आवेदन दिया हुआ है, इस पर चार लोगों के नाम है। चारों में शशांक शर्मा, रज्जू भारती, जयनारायण भोई और जो है केपी पटेल, इनके विरुद्ध इसने शिकायत आवेदन दिया हुआ है। किस आवेदन पर इसमें ये तथ्य आ रहे हैं कि महिला अकेले रह रही थी, रात के दरमियान जो है ये चारों व्यक्ति जो है उनके पास पहुंचे हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है अनाचार किए हैं। उन्हें लगातार धमकी दिया जा रहा था कि अगर आपने जो है इस पर कोई कार्रवाई किया, हमको शर्म नहीं किया, तो हम जो है वो आपका वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। जी, ये तथ्य है आवेदन में इनके कि लगातार उनके साथ अनाचार किया जा रहा है। तो अभी जो है प्रथम दृष्टया 376 का मामला प्रतीत होता है, आगे अपराध पंजीबद्ध कर जो है योजना की जाएगी। महिला जो है देखिए महिला जो है ये कलेक्ट्रेट में जो है ये पदस्थ है महासमुंद में,